इंडिपेंडेंट के वो बोझ ना पड़े माँ बाप के ऊपर। आप देखिए हमारे सारे बच्चे गरीब हैं, पैसे वैसे नहीं हैं माँ बाप के पास और उनकी कोई केयर करने का नहीं है क्योंकि वो बेचारे नॉर्मल बच्चे को नहीं संभाल सकते तो ऐसे बच्चे को कैसे संभालेंगे। तो ये हमारा लोगो भी है, इस इदारे का लोगो है, वी डू द इम्पॉसिबल इमीडिएटली एंड द मेरिकुलस टेक ए लिटिल लॉन्गर। तो अगर हम उसको अपनी ज़बान में यानी आपको बताऊं तो हमारी ज़बान में हम ये कहते हैं, इन बच्चों को ये सिखाते हैं या समझाते हैं कि आप अपने आप की जिस्मानी कैफियत को न देखें बल्कि आप अपने अंदर छुपे हुए उस इंसान को देखें जो बारे ताला ने आपके अंदर सलाहियतें रखी हैं, उनको देखें और उन सलाहियतों को उजागर करें। उसके लिए हम उन्हें एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पर जब उनके साथ मिलकर अमल किया जाता है तो वो बेचारे अपनी यानी जो माजूरी या मजबूरी है उसे उसके कौल से बाहर निकल आते हैं और फिर वो बच्चे एक माशरे का कारामद फर्द बनने की सलाहियत हासिल करते हैं। मैं ज़्यादातर उसमें हैंडवर्क में वोकेशनल में मदद करती हूँ और मैं गाइड करती हूँ इनको, जो हमारे बच्चे चीज़ें बनाते हैं उसमें मैं गाइड करती हूँ और फिर ये चीज़ें हम बेचते हैं कभी भी कोई एग्जीबिशन में। अभी फ़िलहाल हम 8-5 दिन ये फ्लावर शो में हमने रखा था तो सस्ता है, कोई 10-20 रुपए का है, कोई 250 का भी है। वो चीज़ें जो बिकती है वो पैसा सब यहाँ बच्चों के पास आता है। इस एनजीओ के कयाम का मकसद ऐसे बच्चों को मदद फराहम करना है जो सेरेब्रल पाल्सी जिसे पाकिस्तान के अंदर मतलब लोगों के पास सीबी अगर बच्चा है किसी का या स्पेशल बच्चा है तो उसके पास अवेयरनेस नहीं है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, किस तरह बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, किस बच्चे को जो है वो मतलब आप इतनी इंसिडेंट देख लें कि पाकिस्तान के अंदर आप किसी पार्क में अगर बच्चे को ले जाना हो तो व्हील चेयर रैंप तक अवेलेबल नहीं। बच्चे को आप किस तरह ले जाएंगे, एक हैंडीकैप बच्चा है, आपका भाई है, बहन है, बेटी है, जो भी है, उसका व्हील चेयर आप चलाने के लिए जगह तो चाहिए। आप किसी मॉल के अंदर आप नहीं ले जा सकते, व्हील चेयर रैंप अवेलेबल नहीं है। आप रोड्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो मतलब ऐसे रोड्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि हम व्हील चेयर चला सकें। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पेरेंट्स को पता नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन सिस्टम भी कोई है। आप यकीन कीजिए आप के इन बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, लोगों को पता ही नहीं है। रिसेंटली यहाँ तक वो बच्चे को बोला, यार बच्ची स्कूल जाती है ना, वो अभी स्कूल गई भी होगी, वो आएगी मुझे उसको जो ना गाड़ी में से पिक करना, मैं जा रहा हूँ। तो लोग हैरान से पूछते हैं, तुम्हारी बच्ची स्कूल जाएगी, कौन से स्कूल में जाती है, पढ़ सकती है तुम्हारी बच्ची, तो बोल नहीं सकती, स्कूल कैसे भेजते हो। हैंडीक्राफ्ट भी करते हैं, हमारे यहाँ बच्चे इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ बच्चे हर वो काम कर रहे हैं जो एक नॉर्मल आदमी करता है। अगर वो हाथ से, ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ मौजूद हैं जो काम अगर कंप्यूटर को ऑन करना, उसको पेंटिंग करना, लिखना, बाकायदा MS Word, SM Office यानी इस सॉफ्टवेयर पर वो काम करते हैं तो उनमें इतने बाएतमाद तरीके से करते हैं कि हाथ के बजाय वो पैर से। आपके पास टाइम की कमी है, अगर कभी आपके पास हो तो आप देखेंगे कि वो बच्चे अपने पैर से कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, बाकायदा पूरा यानी अगर कोई आप उसको लेटर देखेंगे तो लेटर लिखेंगे, हर चीज़ वो काम यानी एक नॉर्मल इंसान की तरह कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हद तक इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अज़्म और हौसला हम उनके अंदर पैदा करते हैं, उनको इस चीज़ की आगही देते हैं कि अपनी कमी पर या खामी पर नज़र न करें,
उन अपनी छुपी हुई सलाहियतों को तलाश करें और उस तलाश में हम उनकी मदद करते हैं और फिर वो ये कह उठते हैं हमारे इस यानी उनको इस आगाही देने पर कि हम मजबूर नहीं, हम माजूर नहीं, हम फूल हैं इस गुलशन के, हम मेमार हैं मिल्लत के, हम मजबूर नहीं, हम माजूर नहीं। स्टार्ट में तो जब बाई बर्थ तो उस वक्त पता नहीं चला, कुछ क्रिटिकल कंडीशंस तो हो गई थी उनके बिहेवियर से पता चल रहा था हॉस्पिटल वालों के, लेकिन जो हमें बेसिकली बाद में पता चला है वो 3 से 4 महीने गुजर जाने के बाद इसके बिहेवियर पे पता चला। ये 3 से 4 महीने का था, इसको हम पेट का दर्द और मरोड़ समझ रहे थे, लेकिन इसके सिम्टम्स कुछ और फिट्स के जैसे थे कि अपने आप को निचोड़ता है और अपने आप को स्पास्टिक हो जाता था, बिल्कुल वो अकड़ा लेता था अपने आप को। हम इसका पेट का दर्द और दूसरे मसले मसाइल समझ रहे थे, फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर इसका स्कल का जो शेप था वो भी थोड़ा सा डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चों के हिसाब से, उसमें गैप्स आ रहे थे, तो ये थोड़ा सा हमें थोड़ा डराया। और फिर हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कुछ एक्सरेज वगैरह टेस्ट हुआ, फिर सीटी स्कैन्स वगैरह हुआ, तब जाके इसका डायग्नोस हुआ कि ये एक सीपी चाइल्ड है, इसका ब्रेन का वो ग्रो नहीं है जो एक नॉर्मल बच्चे की होती है। मैं दूसरे जिस बच्चों को देखता हूँ जो बिल्कुल ही मतलब या तो कह लें कि उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ों की, क्योंकि डॉक्टर से मैं जब हम जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों से मुलाकात होती है, माँ बाप से मुलाकात होती है, उसमें कुछ अफोर्डेबल भी होते हैं कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट नो डाउट महंगा है और हमारे मुल्क में इसकी कोई स्पेशली कोई फैसिलिटी नहीं है। ऐसे अफराद जो इस मर्ज का शिकार हों, उन्हें सुनने और देखने में दुश्वारी का सामना होना, नज़र की कमज़ोरी, दौरे पड़ना और कई तरह के जिस्मानी और ज़हनी माजूरी का सामना करना पड़ता है।